स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. दिस इज H2M1. द टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वी हैव कवर्ड अप टू साइक्लिक प्रोसेस. वी हैव कवर्ड अप टू साइक्लिक प्रोसेस. सो वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. पीवी ग्राफ इज गिवन. Pressure versus volume graph is given. We will start with the question. This is a cyclic graph, cyclic process. P, V, A, B. Just wait for a minute. It will lag for a minute. A, B, C, D. Clear? This pressure is 8 into 10 to the power 5 Pascal. This pressure is 2 into 10 to the power 5 Pascal. This is in Pascal. Volume given is, volume is 1 meter cube. This is 2 meter cube. ठीक है? इसमें दोनों में क्या बताना है? W net. In second graph, this is a cyclic process provided this volume is this is 2 into 10 to the power 5 by pi square. This is 8 into 10 to the power 5 by pi square. ठीक है? The same value is given for the volume. Volume का भी वही value है क्योंकि same terms आएंगे. But cycle is anti-clockwise. This is 2 into 10 to the power 5 by pi square in meter cube. This is 8 into 10 to the power 5. थोड़ा सा मैंने पाई का वैल्यू गलत डाल दिया. दिस विल नॉट बी पाई. दैट इज इक्वल टू पाई टू द पावर 1 बाय 2. 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 क्लियर? दिस विल बी द वैल्यू. क्लियर? अब आपको बताना है डब्ल्यू नेट फॉर बोथ द केसेस. फाइंड डब्ल्यू नेट. जल्दी से बताओ. अलॉन्ग विद द साइन. साइन के साथ आंसर क्या आएगा? दिस इज द वन, दिस इज द टू. बताओ क्या आंसर आ रहा फॉर द फर्स्ट वन. क्यों आंसर फॉर द फर्स्ट वन? फॉर द फर्स्ट वन सिक्स इंटू टेन रेज टू फाइव. Yeah, it's 6 into 10 raised to 5. Because this length will be 8 minus 2. That is 6 into 10 raised to 5 into my this length. That is equals to 1. Okay. So this will be the amount of work done. Plus. It will be in plus. Because this is clockwise. For the second one, this will be pi r square. So pi, what will be the radius? Radius. It will be 8 minus 2, 6 by half. Half kar denge. So you will get 3. So 3 into 10 to the power 5 whole square by pi to power 1 by 2 square. So it will be 9
into 10 to the power 10 minus. Clear? Is it same? Match kar raha kisi ka? Haan sir. It's very simple, you know. As a negative aa jayega. Why it's negative? Because this is anticlockwise. Clear? Is it clear? Any doubt? Yes sir. Doubt hai? Sir, doubt hai. Haan batao. Haan sir. तो साइक्लिक प्रोसेसेस में आपने बोला था एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, अंडर द लूप लेना है. हाँ, अंडर द लूप, हमेशा अंडर द लूप. तो तुमने एरिया निकाला ना उसका? हाँ, एरिया तो निकाला है, और क्या निकाला है इसमें? ये एरिया. बट हम इसमें ये एरिया, बट सर आपने बोला था एरिया अंडर द लूप लेना है. तो अंदर लूप के अंदर ही तो लिया है. लूप के नीचे ना, मतलब लाइक? नहीं नहीं, नीचे नहीं रहता है बेटा. साइक्लिक में ये वाला एरिया, ये पूरा माइनस ये पूरा, तो बचा तो बस यही वाला ना. ओके सर. ठीक है. ओके सर, समझा? क्लियर. चलो नेक्स्ट. सो आफ्टर साइक्लिक प्रोसेस वी हैव टू स्टार्ट, सॉरी, सो आफ्टर साइक्लिक प्रोसेस वी हैव टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेस. यही तो कराना था, है कि नहीं? अच्छा, मुझे बताते जाओ. मोलर हीट कैपेसिटी वी हैव कवर्ड, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मोलर हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी कवर्ड हो चुका है. ठीक है, बताओ. अच्छा, ट्रायटोमिक नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ट्रायटोमिक नॉन लीनियर, ट्रायटोमिक नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बताओ? कितना? ऑफलाइन होता ना तो तुम लोग को सही मारता है ना. ये बताओ, एक मिनट रुको, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, पीछे का नोट्स दिखा रहा हूँ. मतलब कैसे आप लोग प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं. देखो, वी विल स्टडी. अच्छा, क्या होता है? एनी प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज पी वी टू द पावर एन. एनी प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज function of P or V, P or T or T and V, इनका function बताया सकता है. ठीक है, ठीक है. तो we will assume PV is equal to constant. This is a process. Actually, में this is the formula of polytropic process. This is the formula of polytropic process. When you change the value of n, it will become a different process. ठीक है. So what we'll do? We will take the different value of n and that will become a different process. Clear? The first one. Isochoric process. It's a polytropic process. Yeah, it's a polytropic process. We call it polytropic, but I will take that polytropic process after the completion of these four processes. Okay? This equation is of polytropic process. But we will deal with polytropic process after the completion of these four processes. Polytropic process. Clear? So first one is isochoric. In isochoric, what happens? Volume is constant. Volume will be constant. So you have to take delta V is equal to 0. So when delta V is 0, the work done will be 0. Okay. So when you put n tends to infinity, so you can write PV to the power n is equal to constant. Then when you take 1 by n, n by n is equal to constant, then you can write P to the power 1 by n, V is equal to constant. So if n tends to infinity, then n 1 by n will tends to 0.
So that will become p to the power 0. V is equal to constant. Sir. Yes, beta. नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझो कोई बात नहीं। In polytropic process, PV to the power n is equal to constant. Clear? When you take whole power 1 by n, constant का power 1 by n करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो constant ही रहेगा। तो P to the power 1 by n, V का power n by n, तो n by n will become 1, और ये 1 by n. If you take n tends to infinity, so what will the value of 1 by n? It will tends to 0 ना? हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? हाँ? नहीं समझा? ऐसे मानो कि 0 है। क्या कह रहे हो? सेडल क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझा। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PV की पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? सर, व्हेन वी राइट PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो दैट n इज ऑन होल PV और ओनली ऑन V? No, n is on V. N is on V. What we will do? We will take the 1 by n power of whole term. सबका power 1 by n कर देंगे. ठीक है? जुगाड़ सेट कर रहा है. ठीक है? Just to make V constant. So what we will do? We will take P to the power 1 by n and V to the power 1 by n. So n into P 1 by n will become n by n. So that will become 1. The term will become P to the power 1 by n. V is equals to constant. Clear? Is it clear? क्लियर है? यस सर। सो इन एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस व्हेन द वैल्यू ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस विल बिकम अ आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बन जाएगा ये? आइसोकोरिक। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? और यस सर, आप प्लीज टू वन बाय फिर से समझा सकते हो प्लीज? देखो फिर से देखो। अच्छा इस पे भी वापस आते हैं, काम करो अभी इस पे वापस आते हैं। पहले आइसोबैरिक समझ लो। आइसोबैरिक इसमें क्या रहता है? प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन टू मेक पी कांस्टेंट? कोई बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन? व्हाट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एन टू मेक पी कांस्टेंट? बताओ। Any idea? Yeah, simple. One. Simply put, no, not one. We have to make V to the power 0, na? Put the value of n is equal to 0. So what will happen? P V to the power 0 is equal to constant. 0 power of any term will become 1. So that is equal to P is equal to constant. Okay? So when you put n is equal to 0, it will become isobaric process. Okay? In the same way for isochoric, when you put n tends to infinity, so 1 by n will become 0, so you will get isochoric process. Ab samjha, PV to the power n is equal to constant, then what we will do in next step, we will take PV to the power n to the whole power 1 by n, so that this term will become P to the power 1 by n, V into my n by n is equal to constant, so that will become P to the power 1 by n into my V is equal to constant. So P to the power 1 by n will become 0, P to the power 1 by n, this is P to the power 0, V is equal to constant, so V is equal to constant, बस आपको ये याद रखना है, clear है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा सडेल? हाँ सर। आप समझा? थोड़ा टाइम लग रहा है, एक मिनट। हाँ देखो, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसलिए अजीब सा लग रहा होगा, ये जो पावर ले रहे हैं ना 1 by n, वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना? क्योंकि तभी तो आएगा ना पी का पावर। देखो पी का पावर 1 बाय एन अगर हम बनाएंगे तो टू मेक पी टू द पावर 0 1 बाय एन शुड बी इक्वल टू 0, टू मेक 1 बाय एन इज इक्वल टू 0 एन शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है? हाँ सर, ओके, समझा? यस सर। चलो नेक्स्ट इज थर्ड वन इज आइसोथर्मल। इन केस ऑफ आइसोथर्मल व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो दैट मीन पीवी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एनआरटी आर कांस्टेंट,
that is equals to constant. So how you will make pv to the power n is equals to constant? Oh, pv to the power 1 is equals to constant. Just simply put the value n is equals to 1. What you will get? Isothermal. Ban jayega ki nahi ban jayega? Bolo. Clear? This is the ideal gas equation. In ideal gas equation, pv is equals to nRT if temperature is constant. So that means pv is equals to constant. To make pv to the power n is equals to constant, equal to this term, pv is equals to constant, you have to take n is equals to 1. So when you take n is equals to 1, it will become isothermal process. Samjha ki nahi samjha? Clear hai? Yes, sir. Okay? Clear? Any doubt? Any doubt? Chalo, next. Note ko lo isse pehle. Just note the slide. Koi bhi doubt hai, toh you can ask. Yeah, sir. So adiabatic, the fourth one is adiabatic. So in case of adiabatic process, there is no exchange of heat energy. No exchange of heat. So dq is equal to zero. So that means no exchange of heat. We will study these processes separately one by one. We will cover this topic in detail, but you should know that what will be the value of n to get these process. So no exchange of energy. So for pv to the power n is equal to constant, in case of adiabatic process, that will become pv to the power gamma is equal to constant. So that means when you put n is equal to gamma, you will get adiabatic process. What is gamma? Gamma is called adiabatic gas constant. Clear? Adiabatic gas constant. Clear? Pv to the power gamma. Okay? No exchange of energy. There will be no exchange of energy. Clear? Is it clear? तो कितने टाइप के प्रोसेस हो गए बताओ कितने टाइप के प्रोसेस हो गए फर्स्ट व्हेन यू पुट एन इज इक्वल्स टू एन व्हेन यू पुट एन टेंड्स टू इनफिनिटी प्रोसेस विल बी विच वन आइसो कोरिक क्लियर इन आइसो कोरिक चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो सो नेट वर्क डन इज जीरो व्हेन यू पुट n is equal to 0, the process is isothermal, nahi, the process is isobaric, so in case of isobaric, p is equal to constant, in case of isochoric, v was constant, clear, when you put n tends to, n is equal to 1, अच्छा देर इज डिफरेंस बिटवीन n टेंड्स टू n इक्वल्स टू वेन एवर वी इक्वेट विद इन्फिनिटी तो टेंड्स होता है क्योंकि इन्फिनिटी की इक्वल कभी नहीं लिख सकते आप है ना सो दिस इज आइसोथर्मल इसमें द टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट अच्छा इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट विल देर वे एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई भी एनर्जी चेंज होगा बताओ अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगा नहीं होगा है ना ये याद होना चाहिए इसको गलत मत कर देना कभी भी ठीक है दिस इज एडियाबेटिक कैन यू बी रिपीट अभी आपको क्या बोला बेटा मैंने पूछा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्योंकि यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इफ डेल्टा टी इज जीरो तो डेल्टा यू भी कितना होगा ठीक है इन केस ऑफ एडियाबेटिक डीक्यू इज इक्वल टू 0 क्लियर बस इतना आपको याद करना क्लियर अदर देन दीज वैल्यूज ऑफ एन कोई भी वैल्यू रखोगे यू विल गेट वी विल कॉल इट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन वैल्यूज के अलावा अगर किसी और प्रोसेस को नाम देना है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये नोन प्रोसेस है ये नोन है कि व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी दैट विल बी आइसोकोरिक
जब n होता है 0 तब आइसोबैरिक, जब n होता है 1 तो आइसोथर्मल, और जब n होता है गामा तो एडियाबेटिक। क्लियर? इज इट क्लियर? नोट कर लो। या सर। चलो तो फर्स्ट वन, द फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो इन केस ऑफ आइसोकोरिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। व्हाट इज वी? वी इज वॉल्यूम, ठीक है, वी इज वॉल्यूम। सो डेल्टा वी इज जीरो, डेल्टा वी इज जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो। व्हाई वर्क डन इज जीरो? बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। So if there is no change in volume, so that means there will be no displacement, no displacement, that means no work done. Clear? Clear again? This is the work done. Work done. So if there is no change in volume, the work done will be zero. Is it clear? Clear again? Is it clear? So what will be the value of n? N tends to infinite for isochoric process. For isochoric process. So as per the first law, dq is equals to du plus dw. As dw is zero, so that means whatever the energy you are providing, that will directly goes to the change in internal energy. Clear again? Is it clear? Clear? बोलो बेटा. And what was u? U क्या था? U was n f rt by 2. हाँ या ना? That was the formula of internal energy. कुछ याद आ रहा है? Internal energy. Yes sir. भूल चुके हो अभी तक? यहाँ? भूल गए? नहीं सर, याद है। याद है? What was F? F क्या था? Degree of freedom. अरे वाह! कुछ यार बहुत तुम लोग बस show off नहीं करते ना? टेम्परेचर एंड आर क्या था? व्हाट वाज आर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। अच्छा, सपोज इफ यू हैव टू टेक इंटरनल एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर द मोल, सो व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज आर और वी विल यूज के? क्या यूज करेंगे? के। याद है ना, कराया था ना? So dq you can write, because this is isochoric process, so dq is equals to n c dt. Sahi hai ki nahi? Dq is equals to n c dt. Is it correct? What is c? C kya hai? C is molar heat capacity, molar heat capacity, and dt is change in temperature, change in temperature, that is equals to T final minus T initial. Now this process is isochoric, so we will call it CV. We will call it CV, है ना? क्योंकि isochoric है. So in case of isochoric, it will be denoted at molar heat capacity. Molar heat capacity at constant volume. At constant volume, so it will be denoted as CV. Okay, is it clear? So you can write here dq is equals to du, so dq is equals to n CV dt, and du is equals to n, what will be du? If u is nfrt, it will be nfr dt by 2, so that is equals to n fr dt by 2. You can eliminate n and dt. So cv is equals to fr by 2. तो आपको ये याद रखना है, cv is this fr by 2. Clear? And what will be u? U क्या हो जाएगा किसी भी टाइम पे? n cv t. This will be u. And what will be du? Du is equals to work done, that is equals to n cv dt. clear? ये आपको बॉक्स वाले तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है? अरे ये मैंने गलत लिख दिया है, ये
this du is equals to dq. Yeah, there will be no work done, yeah? Haan, a coach is that you have to remember that work done is equals to zero, yeah? That is very important for the case of isochoric, yeah? Ye char cheez aapke tip pe honi chahiye, that cv is equals to fr by 2, u is equals to ncvt, theek hai? And du is equals to ncvdt and dw is zero. Clear? Clear hai? Is it clear? Any doubt? Any doubt? Meha, Devanshi, Sidhal, Ritika. Hi, sir. Any doubt? Any doubt? Kavya present. Kavya, Vedika present. Yes, sir. Yes, sir. So, C is molar heat capacity. So, when we are talking about isochoric process, we will call it molar heat capacity at constant volume. In the same way, when we will be at isobaric, so that will become Cp. Cp will be molar heat capacity at constant pressure. Clear? Is it clear? So, doesn't matter which type of process is it, U is always NCVDT. Okay? Now, so for any process, whether it is isothermal, isobaric, doesn't matter, the form, these two formula, NCVT is equals to U and U is equals to NRT by 2, they will remain same. Clear? Now I will draw a box, ek table banaunga main, isme I will write the value of CV for different type of gas. यहाँ पे type of gas is here, then degree of freedom, then value of Cv. So for mono degree of freedom is 3. For diatomic, what will be the degree of freedom? Meha? Yes, sir. What will be the degree of freedom for diatomic? 5. पूछ रहे क्यों बता रहा हूँ बता रही हूँ पूछ रहे थे आप ठीक है ठीक है आप पूछ रहे थे आपके बात की कॉन्फिडेंस पता चल रहा चलो सी व्हाट इज सीवी सीवी इज एफ आर बाय टू थ्री आर बाय टू फाइव आर बाय टू एंड दिस इज थ्री आर सिक्स आर बाय टू विल बी थ्री आर ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी क्लियर Now we will draw the graph PV, PT, TV, okay? So this is the PV graph, this is the PT graph, and this will be the TV graph. So for all the four processes, we will draw these graphs, है ना? ताकि आप देख के बता दो एग्जाम में कि which graph belongs to isochoric इस तरीके से, ठीक है? So the volume is constant, so it will be a vertical line. It will be a vertical line, just like this. Clear? इस तरीके से. Pressure may increase or decrease, so I will draw only one. You know, it may increase or decrease. कुछ भी बना लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसमें क्या होगा? Volume is constant, so you have to draw a vertical line because the volume will remain constant. Clear? Is it clear? Clear again? Is it clear?
एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट है? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, सो पी इज इक्वल्स टू एन आर बाय वी टी, सो दैट विल बिकम जस्ट लाइक अ लाइन इक्वेशन, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, इट विल बी अ लाइन इक्वेशन, लीनियर, ठीक है, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, क्लियर? अच्छा, यहाँ का व्हाट विल बी द स्लोप इफ दिस इज थीटा, व्हाट विल बी द टैन थीटा? अच्छा, व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस लाइन इक्वेशन, कोई बता सकता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वेशन? नहीं बता पाऊंगा, y इक्वल्स टू mx में nr by v, साफ साफ दिख रहा है nr by v है यार, कोई भी बता सकता है। सो pt ग्राफ विल बी अ लीनियर ग्राफ, एंड व्हाट अबाउट tv ग्राफ, tv ग्राफ कैसा दिखेगा? अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, सो दीज विल बी द पीवी पीटी एंड पीवी ग्राफ्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सो फॉर आइसोकोरिक व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, आपको बस यही चीज याद रखनी है, क्या आपको बस इतना याद रखना है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट वन इज वर्क डन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, सो द वर्क डन विल बी जीरो, क्लियर? अगला दिस इज इक्वल एंड यू इज इक्वल टू U is equals to N C V T, D U is equals to N C V D T, बस इतना सा याद रखना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? C V is equals to F R by 2, बस इतना याद रखना, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो, क्लियर? इज इट क्लियर? Is it clear? बेटा आवाज, देखो मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, टू इंश्योर कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही कि नहीं आ रही, और कुछ नहीं, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? Yes sir. ओके, इसे नोट कर लो, चलो। So after isochoric process, the second is isobaric process. Isobaric process. So for isobaric process, what will happen? The pressure will remain constant. The P will remain constant. So in PV to the power n is equals to constant. N is equals to kitna? Zero. Clear? सही है कि नहीं? ठीक है, सो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, है ना, पी डेल्टा वी, दैट विल बी द वर्क डन, है ना, ये फॉर्मूला आएगा वर्क डन का, क्या आएगा? वर्क डन, ठीक है, क्लियर? अभी बताओ PV इज इक्वल टू NRT होता है, सो व्हाट विल बी P डेल्टा V? NR डेल्टा T, अगर स्मॉल है वर्क, देखो दिस इज डेल्टा V, डेल्टा V इज द चेंज एंड DV इज स्मॉल वर्क, तो उसको PdV, मुझे नहीं लगता अभी आपको उसका कोई कंफ्यूजन रहा होगा कि DT और डेल्टा T में क्या फर्क होता है कि नहीं? दैट इज चेंज एंड दैट इज स्मॉल चेंज, क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो। सो एज पर द फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ठीक है, पीछे निकाल लिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू, अच्छा ठीक है, सो एंड व्हाट विल बी डी क्यू? For this process, dQ is equals to n, because this process is constant pressure, at constant pressure, so we will write it ncp dt, okay, ncp dt, so dQ is equals to ncp
डी टी इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी डी डब्ल्यू यू कैन राइट एन आर डी टी क्लियर सो यू विल गेट व्हेन यू एलिमिनेट एन एंड डी टी सो सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर इज इट क्लियर सो सी पी इज मोलर हीट capacity at constant pressure. So whenever you count dq is equal to nc dt, that c is the heat capacity of system. ठीक है ये यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो कि this is nc dt, है ना ये याद रखना उस process का heat molar heat capacity ये वाला c ही होता है यहाँ पे c क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू सी पी ठीक है क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर है ठीक है यही वाला C क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस इफ इट इज आइसोकोरिक देन C विल बिकम सी वी इफ इट इज आइसोबेरिक इट विल बिकम सी पी इफ इट इज आइसोथर्मल इट विल बी समथिंग एल्स इफ इट इज एडियाबेटिक इट विल बी डिफरेंट ठीक है अलग अलग होगा सबके लिए मैं सबके लिए नोट कर दूंगा तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R दिस इज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस तो आपको याद रखना है इसमें क्या क्या एक तो वही पुराने टर्म दैट U इज इक्वल टू NCVT ये तो याद ही रखना है दैट इज इक्वल टू NFR बाय 2T पुराना टर्म है ठीक है एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज टू टर्म्स ये वाला ठीक है दैट DU इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बट टेक इट इन येलो ब्रैकेट क्योंकि याद रखना है वट विल बी डी 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 डब्ल्यू वर्क डन विल बी एन आर डी टी अच्छा बोलिए डी टी डी टी यहाँ पे क्या है डी टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्लियर इज इट क्लियर क्लियर है एनी डाउट Any doubt? कोई डाउट है किसी को एनी डाउट जल्दी बताओ एनी डाउट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लियर है इज इट क्लियर नोट कर लो चलो सो अगेन वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स वही पूरा वाला ये वाला दिस बॉक्स सो दिस ऑल अबाउट अप टू सी वी एक और ऐड हो जाएगा सीपी सीपी विल बी बिकॉज सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर सो दैट विल बिकम 5R/2 7R/2 एंड 4R क्लियर है कि नहीं इज इट क्लियर इज इट क्लियर क्लियर है कि नहीं नाउ वी विल ड्रॉ ऑल दीज थ्री ग्राफ्स तीनों ग्राफ वी विल ड्रॉ फॉर प्रोसेस क्लियर So we'll draw PV, PT and TV graph for isobaric process. So for the case of isobaric, pressure will remain
प्रेशर रिमेन, ठीक है, सो प्रेशर मे इंक्रीज, सॉरी वॉल्यूम मे इंक्रीज और डिक्रीज बट द प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्लियर। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जस्ट यूज आइडियल गैस इक्वेशन, सो पी पी इज कॉन्स्टेंट, सो दिस लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। सो फॉर द पी टी ग्राफ, फॉर द पी टी ग्राफ पी वर्सेस टी ग्राफ क्या हो जाएगा, अगेन द प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, इट विल बी हॉरिजॉन्टल। What about TV graph? TV graph, so you can write P is equals to N R T by P. So you can also write T is equals to P by N R B. This is same as line equation Y equals to MX. Clear? Y equals to MX. So this will be a straight line, this one. So tan theta is equals to, what will be the slope? P by P by, is it clear? Clear hai? Kya ye sabko clear hai? Is it clear to everyone? So isobaric mein that you have to remember that change in pressure is equals to zero or P is constant. P is constant. So dq is equals to du plus dw as per the first law. Yahan pe the du is always n cv dt, dw is n r dt, dq is equals to n cp dt and cp is equals to cv plus r. Clear? Is it clear? Clear है कि नहीं? ये याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है? अच्छा, work done is always P external, if external pressure is zero, so work done will always be equal to zero. Whenever gas expand against vacuum, the work done by the gas will be zero because we will always count external pressure, not the internal pressure. Okay? Although internal pressure is always in equilibrium with the outside, na? Because mechanical equilibrium should be there. So internal pressure is always equal to the external pressure, but not in case of vacuum. In case of vacuum, whenever the gas expands, it will be expanding against vacuum, that will be having zero pressure. So the gas will not perform any work. Suppose if you have to lift a block against gravity, then you have to perform the work. But if gravity is zero, so you don't need to do any work to lift the block. The same case will be applicable in case of gas. If gas is not having any opposition or any force, so the work done by the gas will be zero. Clear? Any doubt? For vacuum, right? For vacuum. Yeah, for vacuum, P external will be zero. So in case of vacuum, if the gas is expanding or under compression, the work done by the gas will be zero. Clear? We call it free expansion. Yes, we call it free expansion. उसको free expansion बोलते हैं। जब भी gas vacuum के against expand या contract करेगी, कोई भी work done नहीं होगा क्योंकि external pressure zero होगा। ठीक है? चलो, note कर लो जल्दी से। चलो, the next process is isothermal process. ठीक है? अच्छा, इसमें मैंने ड्रॉ करके दिखाया नहीं, जैसे इस केस में पीछे वाले में आइसोकोरिक का मतलब है यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द गैस एंड दैट विल बी यूटिलाइज इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस और एनर्जी ऑफ द गैस। इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी द टेम्परेचर विल डिक्रीज। क्लियर? आइसोबैरिक में क्या हो रहा है? इन केस ऑफ आइसोबैरिक you're providing some energy
the gas, some portion will be used in increase the energy and some will be utilized in work done, and vice versa. If you are extracting the energy, these arrow will be reversed. And in case of isothermal mein kya hoga? Isothermal. So thermal, so that means related to temperature. So in case of isothermal process, the temperature will remain constant. Higher na? T is equals to constant. T is constant. So U is directly proportional to T. So if dT is equals to 0, so du is equals to 0. Du bhi kitna ho jayega? 0. Change in energy is equals to 0. Clear hai ki nahi? Is it clear? So dQ is equals to du plus dW. So ye to 0 ho gaya. So jitna bhi aap energy doge, that will be used in work done. Haan ya na? So for any polytropic process, PV to the power n is equals to constant, n is equals to 1, so that this process will become kya? Isothermal. PV is equals to constant. So that means P1 V1 is equals to P2 V2. Isme rahega hi rahega hai na? PV constant hai. So dQ is equals to dW. So whatever amount of energy you are providing, that will be used in work done. Ab work done kaise nikalenge? Work done. What will be the work done? Work done is equals to PdV. Hai na? Work done is equals to PdV. Hai na? So you can always use PV is equals to nRT. P is equals to N R T by V. So it will be N R T by V into by dV. As temperature is constant, so nRT will become constant. So what will be W net? Net work done. It will be the integration from initial to final volume. So kitna aata W net? W net is equals to nRT ln V final minus V initial. Clear? Ye aata hai आपका इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 बाय v का इंटीग्रेशन विल बी ln v. इट विल बी ln v. सो द फाइनल एक्सप्रेशन ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया. दैट इज इक्वल्स टू nRT ln v. लिमिट विल बी v इनिशियल टू v फाइनल. ठीक है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम v फाइनल इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम. So work done will be nRT ln V final upon V initial. When you take base 10, अच्छा मैंने क्या बताया था? When you have to change natural log to base 10, base 10 में change करने के लिए क्या तरीका होता है? You have to multiply with 2.303. कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा? बताओ. कुछ याद आ रहा है? हाँ सर. ठीक है. Base 10. So this is the formula of work done. अच्छा temperature क्यों integration में नहीं आया? कोई बता सकता है? Temperature integration में क्यों नहीं गया? Constant है. So constant. Versus gas constant. T is टेम्परेचर. ठीक क्या है? टेम्परेचर. क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? यस. मल्टीप्लाइड बाय 2.303 टू गेट अ लॉग टू द बेस 10 ना. या व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग विद 2.30, हाँ इससे मल्टीप्लाई करके ये बनता है. ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक है, नोट करो. नेक्स्ट, सो
So this is the formula of work done. Can you tell me what will be the heat capacity? कोई बता सकता है इसमें heat capacity क्या आएगी? Heat capacity. अच्छा heat capacity क्या आएगी? कुछ सोच के थोड़ा सा बताओ. अच्छा what is dq? dq क्या होता है? n c dt. So what is heat capacity? c is equals to dq by n dt. If dt is equals to 0, change in temperature is 0, क्योंकि temperature constant है, so what will be heat capacity? What will be heat capacity बताओ? C tends to infinite, यही होगा? है कि नहीं? So for isothermal, for the case of isothermal, इसका value यही आता है, लेकिन that doesn't mean isothermal, doesn't mean it can store infinite energy. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि infinite energy store कर सकता है, वो बस calculation में infinite आ रहा है. Just like a bucket, एक bucket है, नीचे से खुली है, ऊपर से पानी डाल रहे हो, आपको आप नीचे नहीं देख रहे हो, आप बस पानी डाल रहे हो, आप कह रहे हो यार ये तो खतरनाक bucket है, मतलब कभी ये भरती नहीं, इसकी capacity तो बहुत ज्यादा है, पता चला इधर से जितना आ रहा है उधर से इतना जा रहा है. तो इज इट हैविंग इनफाइनाइट कैपेसिटी या बस कैलकुलेशन में आ रहा है इनफाइनाइट? बताओ क्या इसको इनफाइनाइट कैपेसिटी बोलेंगे? इनफाइनाइट कैपेसिटी तो ये होती थी जब ये होल्ड करती है ना. इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? होल्डिंग कैपेसिटी हो गई जीरो. एक्चुअल में तो ये जीरो ही है. क्यों? इसमें क्या होगा? द गैस, इसमें क्या होगा? गैस में यू हैव टू यू विल प्रोवाइड एनर्जी एंड दैट होल एनर्जी विल बी यूज इन वर्क डन. देर विल बी नो चेंज इन डी यू. कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. देर विल बी नो चेंज इन इंटरनर्जी. सो इफ यू प्रोवाइड एनर्जी द गैस विल एक्सपेंड, इफ यू एक्सट्रैक्ट एनर्जी द गैस विल कंप्रेस. क्लियर? समझा कि नहीं समझा? वेन यू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, बकेट वाले में क्या होगा? इफ बकेट इज नॉट हैविंग एनी बेस, कुछ बेस ही नहीं उसका, नीचे कुछ नहीं है, जितना पानी डालो उतना निकल जाएगा ना, आया ना? और आप सिर्फ इधर से देख रहे हो, तो आपको तो लगेगा यार ये तो पूरा पानी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो भरते ही जा, मतलब पूरा कंप्लीट भर ही नहीं रहा है, लेकिन आप नीचे नहीं देख रहे कि नीचे से गिर रहा है, सिर्फ आपको यही एंड दिख रहा है, यही एंड दिख रहा है. ठीक है, बस यही एंड दिख रहा है. इस एंड के साथ तो आपको लगेगा ना कि इनफिनाइट कैपेसिटी है इसकी, आया ना? ठीक है सर. लेकिन एक्चुअल होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है? जीरो है ना. तो सेम हैपेंस इन द केस ऑफ आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में सी तो इनफिनाइट आता है, बट डजंट मीन कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी इनफिनाइट है. दैट मीन कि होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं बिल्कुल. ठीक है, अब ये मत बोला सर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो सी जीरो की नहीं हो जाता, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होता. ठीक है, बिकॉज डी टी इज जीरो, डी टी इज dq is also zero, sorry dt is zero, so that tends to infinite hai. Is tarike se aayega. Clear hai ki nahi? Is it clear? Yes sir. Note kar lo, first one is expansion, this is compression. Chalo next we'll draw pv. इस सारे के सारे ग्राफ बनाएंगे फॉर आइसोथर्मल, ठीक है. तो आइसोथर्मल में क्या होगा? दिस इज पैराबोलिक. क्या आएगा? पैराबोलिक बन के आएगा. एज पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. So this graph will be parabolic. कैसा दिखेगा? इसका parabolic होगा. Expand भी हो सकता है, it may expand or contract. Expand भी हो सकता है और contract भी हो सकता है. ठीक है, next PT graph. तो PT graph में क्या होगा? तो temperature will remain constant. तो temperature constant है तो इसको ऐसे रखो, constant vertical line.
इस तरीके से। टीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ कैसा रहेगा? इस तरीके से रहेगा, है ना, बिकॉज टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इस तरीके से पीवी, पीटी एंड टीवी। आप किसी भी प्रोसेस में, फॉर एनी प्रोसेस यू कैन ड्रॉ आइसोथर्म। आइसोथर्म्स क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर एनी ग्राफ यू कैन ड्रॉ आइसोथर्म। किसी भी टाइप का प्रोसेस क्यों ना हो, बट फॉर एनी प्रोसेस यू कैन ऑलवेज ड्रॉ आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? दीज आर द लाइन्स ओवर विच द टेम्परेचर विल बी, द टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट। ये एक आइसोथर्म हो गया, इसके नीचे एक और हो गया, इसके नीचे जाओगे तो ये एक और हो गया, ठीक है। सो दीज आर द आइसोथर्म्स। ये क्या है? आइसोथर्म्स, दीज आर आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स। फॉर एनी प्रोसेस यू कैन ड्रॉ द आइसोथर्म्स। दिस आइसोथर्म विल बी हैविंग टेम्परेचर T2, दिस वन विल बी हैविंग T1, दिस विल बी हैविंग T1। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। फॉर एनी प्रोसेस यू कैन ऑलवेज ड्रॉ आइसोथर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई क्वेश्चन में आ गया, एक क्वेश्चन है, पीवी ग्राफ इज गिवन, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पीवी ग्राफ आपको दे दिया कि ऐसा पीवी ग्राफ इज प्रोवाइडेड। द प्रोसेस इज लाइक दिस, गैस ऐसे जा रही है, इस तरीके से ऐसे जा रही है, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो आप क्या करोगे? जस्ट ड्रॉ द आइसोथर्म, जस्ट ड्रॉ द आइसोथर्म। यहाँ पे आइसोथर्म बनाना शुरू कर दो, ठीक है, ऐसे लो और कई सारे आइसोथर्म्स उसे बना दो और चेक कर लो कि वेदर द ये हायर आइसोथर्म पे जा रहा है या लोअर आइसोथर्म पे, इस तरीके से, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज चेक वेदर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। साथ साथ दिख रहा है इट इज गोइंग अप टू हायर आइसोथर्म। तो जैसे जैसे इट इज गोइंग टू हायर आइसोथर्म, देखो हायर आइसोथर्म पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीजिंग, है ना। कैसे बता सकते हो? बिकॉज इट इज रीचिंग टू द हायर आइसोथर्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? समझ में आया? इज इट क्लियर? वेन एवर द गैस गोज टू द हायर आइसोथर्म द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी इंक्रीजिंग। सो ओवर एन आइसोथर्म, ओवर एन आइसोथर्म द टेम्परेचर विल रिमेन सेम। आइसोथर्म पे क्या होता है? टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। ओवर एन आइसोथर्म द टेम्परेचर विल रिमेन सेम, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज यहीं रखेंगे,